जय हिंद एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति पांडे, योर बायो टीचर, एंड आई एम हियर विथ अ वीडियो ऑफ चैप्टर 3, दैट इज इको सिस्टम। सो इन द इको सिस्टम वी हैव डिस्कस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बेसिकली द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पेशली द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर चैप्टर। We were here on types of ecosystem and we have discussed this. Natural, basically ecosystem is what? The habitat in which we are living, that is our ecosystem. So this ecosystem is of basically two types, natural and artificial. In natural we have terrestrial ecosystem, for example grassland, forest, mountain, desert, etc. And whereas aquatic, that is fresh water and marine water. In artificial, you know that the man-made atmosphere, that is aquarium, farmland, garden, these are the example of artificial ecosystem. Now we are going to proceed further, the biosphere. The global ecosystem that consists of all the living organism and non-living factors is called बायोस्फेयर। बेसिकली जहाँ हम रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स गिव्स द बायोस्फेयर। जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे, हम ह्यूमन, अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, ऑल आर प्रेजेंट इन दिस एनवायरमेंट। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बायोस्फीयर। इट इज़ द पार्ट वेयर इकोसिस्टम कैन ऑपरेट। यस, इकोसिस्टम ओवरऑल जहाँ पे फंक्शन कर रही है। इकोसिस्टम में क्या था, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों में एक इंटरैक्शन होता है, एक कोरिलेशन होता है, जो कि इकोसिस्टम होता है। तो जब बायोस्फीयर है, उसमें भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी इंट्रैक्शन है, उनमें भी रिलेशन है किसी न किसी तरह से। तो ये क्या है, ये बायोस्फीयर है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म पार्ट ऑफ बायोस्फीयर आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। सो बायोस्फीयर के जो पार्ट, जो लिविंग हैं, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और उन्हीं बायोस्फीयर का जो पार्ट नॉन लिविंग है, उसको हम एबायोटिक कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। वेयर एज एबायोटिक कंपोनेंट्स में लैंड, वाटर, एयर, सॉयल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल दीज थिंग्स आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो abiotic component can be further be divided into three forms. Basically abiotic components जो है उनको further three forms में divide किया गया है। First one is hydrosphere, second one is lithosphere and third one is atmosphere. Hydrosphere is what? Water. Okay, the components of water, that is hydrosphere. Litho means land and sphere means atmosphere. So it is land atmosphere, whereas atmosphere is air component. Atmosphere में हम air components को include करते हैं। यहाँ पर एक picture है, आप देख रहे हैं, ये एक pond का system आपको दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे होंगे water, soil, temperature and oxygen, जो कि है वो abiotic components है। वहीं पर जो ये प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, फ्लावर्स दिख रहे हैं, डक दिख रही है, फिशेस दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। सो ये जो पॉन्ड का सिस्टम है, इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, तो एक तरह से ये बायोस्फीयर है। ओके, नाउ फर्दर वी आर मूविंग बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम फॉर्म्स the biotic component of that ecosystem. All the living system, living components which are present in the atmosphere is biotic component. For examples,
यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इज़ बर्ड प्लांट्स यू कैन सी द मशरूम ऑल्सो दैट इज़ फंगस गोट एंड अदर प्लांट्स हनी बी ऑल दीज आर वॉट ऑल दीज आर लिविंग कम्पोनेंट्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक कम्पोनेंट्स All the biotic components depend on each other mostly for food and have different mode of nutrition. Yes, जितने भी biotic components होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर या living, non-living components के ऊपर dependent होते हैं किसके लिए अपने food के लिए okay? और इनका different mode of nutrition होता है जैसे कि plants हैं plants क्या है autotrophs हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो एटमॉस्फेयर के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके हेल्प से फूड का प्रोडक्शन करते हैं और इसको जब हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप्स को फीड करते हैं तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ और हो गया मतलब वो उस पर डिपेंडेंट है वहीं ऑटोट्रॉप जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है वो उन फैक्टर्स को यूज़ करके यूटिलाइज करके अपना फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं ओके नाउ Now we are going to see the other modes of nutrition that is in autotrophs. Autotrophs are the plants that make their own food by the process of photosynthesis. Therefore, they are also called producer. Yes, autotrophs जो non-living components हैं उनको use करके अपना food का production करते हैं by the process of photosynthesis and they are also called producer. They are producer that means they use non-living components and produce food which are further used for other organism okay almost all green plants convert solar energy from the sun you know that solar energy is the energy from the sun to produce chemical energy that is stored in food basically kya hota hai jo sun hai wo aapko jo heat de raha hai jo plants ko heat de raha hai वो भी एनर्जी है एनर्जी का सोर्स है मतलब सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम सो सन जो दे रहा है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है और उस हीट एनर्जी को प्लांट्स डिफरेंट अदर न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज़ करके एक केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आप देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है अलॉन्ग विद सनलाइट एंड द पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स ये सब यूटिलाइज करके किसका फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स ग्लूकोज का तो ग्लूकोज क्या है इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल वी कंसिडर इट इन अ केमिकल सो द हीट एनर्जी इज सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और वो केमिकल एनर्जी जो है ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म सक्रोज का भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सैक्राइड्स होते हैं तो ये जो हम फ्रूट्स देखते हैं प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं जो जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो फ्रूट होता है फ्रूट आप देखते हैं व्हाट इज़ दैट स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट सो जो प्लांट है उसने ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोडक्शन किया लेकिन उसका स्टोरेज जो होता है ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है जो कि फ्रूट्स होते हैं तो ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होते हैं वो सैक्राइड्स होते हैं और उसके फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर होता है फ्रूट्स के अंदर ओके सो वो फ्रूट्स कौन फीड करता है वो फ्रूट हम फीड करते हैं अदर एनिमल्स फीड करते हैं नाउ वी आर मूविंग टू हेटरोट्रॉप्स Heterotrophs are the organisms that cannot make their own food and hence feed on plants and other animals. Yes, heterotrophs are those animals or those organisms which does not prepare their own food and they are dependent on the producers or other animals for their food. Okay, heterotrophs are also called consumers. सो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग बीइंग हैं उनको ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दैट इज़ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दैट इज़ ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप सो अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको कितने ब्रॉडली कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है
तो आप बोलेंगे कि सिर्फ दो कंडीशन होती है, एक ऑटोट्रॉप की होती है और एक हेटरोट्रॉप की होती है, एक प्रोड्यूसर होते हैं एक कंज्यूमर होते हैं, ओके। इसके अलावा और कोई तीसरा कंडीशन हो ही नहीं सकता। नाउ फॉर एग्जाम्पल्स, अ ग्रास होपर ईट्स ग्रास एंड अ लायन ईट्स डियर। यस, ग्रास होपर ग्रास को खा रहा है, लायन जो है वो डियर को खा रहा है, मतलब फूड के लिए वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए वो डिपेंडेंट हैं। हेटरोट्रॉप्स और कंज्यूमर कैन बी डिफरेंट टाइप्स। यस, हेटरोट्रॉप या कंज्यूमर जो हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, मतलब जो इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉप्स एंड कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रॉप। नाउ हेटरोट्रॉप्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन अदर कैटेगरीज। इट इज़ डिवाइडेड इन हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर, दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। नाउ वी विल सी द अदर दीज थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आर दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन द फूड, विच आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड द ऑटोट्रॉप्स, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। सो द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। यस, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हर्बीवोर, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। डियर, ग्रासहोपर, गोट एंड शिप आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर, जो हर्बीवोर को फीड करें या अदर एनिमल्स को फीड करें वो होते हैं कार्निवोर। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंडेंट ऑन द other animals for their food, for their nutrition are called carnivores. For example, lion, tiger, wolf, leopard and snake are some example of carnivores. Now we have tertiary consumer or top carnivore. The organism that feed on secondary consumer. Tertiary, secondary consumer जो organism होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स को फीड करते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाता है, ओके। जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को जो डायरेक्टली खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड कर रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को फीड करने की क्षमता रखता है वो होता है टर्शियरी कंज्यूमर। सो द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड कर रहे हैं वो होते हैं टॉप कार्निवोर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स, दैट इज हॉक एंड पीकॉक। आप देख रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है स्नेक, ओके, स्नेक लिखा हुआ है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, वहीं आप टर्शियरी में देख रहे हैं हॉक लिखा हुआ है और पिकॉक लिखा हुआ है। हॉक इज़ व्हाट, बाज, एंड पिकॉक इज़ व्हाट, मोर। ये क्या करते हैं, ये सांप पे, सांप को भी स्नेक को भी ये फीड करते हैं, तो दे आर व्हाट, दे आर टॉप कार्निवोर्स, ओके। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड omnivores. Those organisms which feed on both plants and animals are called omnivores, that is human, cockroach and dogs are the example of omnivores, okay. Now we are going through decomposers or saprophyte. Decomposers are the organisms that feed on the dead remain of autotrophs and heterotrophs both. Decomposers are the organism which basically feed the dead organism, whether it is autotroph or heterotroph, it doesn't matter, they used to feed on the dead and decaying matter, okay.
Decomposers feed on dead remains of organism by converting the complex organic compound present in the dead bodies into simpler digestible substances. Basically क्या होता है, जैसे हम हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन जब डेथ हो जाती है तो ह्यूमन को क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, दबाया जाता है। उस कंडीशन में आप देख रहे हैं आपकी बॉडी है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। ओके, प्रोटीन में क्या होते हैं, प्रोटीन में वही नाइट्रोजन, वही कार्बन, वही ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो उन्हीं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन में कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वे में पैक्ड हैं, कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबको वो अलग अलग कर देते हैं, और बाद में वो बॉडी पूरी की पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, और वो जो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो कार्बन अलग मिट्टी में चला जाता है, नाइट्रोजन अलग मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स में शामिल हो जाता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल के चला जाता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, उसको वो ब्रेक करके सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं। ओके, सो डिकम्पोजर्स फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बाई कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज इन टू सिंपलर डाइजेस्टिबल सब्सटेंस। आप कभी कभी देखते होंगे लकड़ी है, लकड़ी को कभी आप मॉइस्चर वाले एरिया में छोड़ दीजिए, देखिए कुछ टाइम बाद वो धीरे 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 इतनी कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ चुके हैं, डिकम्पोजर्स आ चुके हैं, जो उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू कर दे रहे हैं। एक टाइम बाद ऐसा होगा कि वो लकड़ी एकदम से गायब ही हो जाएगी, वो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उनको एकदम से ब्रेक कर देंगे। कभी कभी आप देखेंगे लकड़ी होती है, उसको आप कुछ टाइम बाद पड़े 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 आप देखेंगे कि अंदर मिट्टी जो होती है, मतलब मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर होता है तो लकड़ी, लेकिन मिट्टी जैसी हो जाती है। मतलब क्या है, बहुत डिकम्पोजिशन हुआ है उस लकड़ी का, और वहाँ पे जो उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया गया है, मिट्टी बना दिया गया है। ओके, सो डिकम्पोजर्स का काम यही होता है कि वो डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको उनके सिंपलर डाइजेस्टिबल सब्सटेंस में तोड़ दें, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट अर्थ पे ना हो। सो बेसिकली दे आर स्कैवेंजर्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, सो हम कह भी सकते हैं कि डिकम्पोजर्स आर द स्कैवेंजर ऑफ इकोसिस्टम। नाउ दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव प्रॉपर टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, डिकम्पोजर्स डज नॉट हैव प्रॉपर टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डिकम्पोजर्स, these are like bacteria and fungi. Some organisms such as vulture, hyena, crow and jackal are the organisms that feed on the flesh of the dead remains of organism. These organisms are called scavengers. Scavengers are those organisms which feed on the dead and decaying matter, but basically दे यूजली फीड द फ्लैश। वो उसको डिकम्पोज करके सड़ा के ख़त्म नहीं करते, वो उसको फीड करते हैं, तो वो स्कैवेंजर्स हैं। तो मैंने क्या बोला, डिकम्पोजर्स जो हैं हम उनको एटमॉस्फेयर का, इकोसिस्टम का स्कैवेंजर कह सकते हैं। ओके, सो बेसिकली स्कैवेंजर्स आर दोज विच फीड ऑन डेड फ्लैश। ओके, नाउ वी आर हैविंग ए बायोटिक कम्पोनेंट्स। बायोटिक में आपने देखा, बायोटिक कम्पोनेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक था ऑटोट्रॉप और दूसरा था हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में जो थे वो प्रोड्यूसर्स थे, जो अपना फूड का प्रोडक्शन खुद करते थे, वहीं हेटरोट्रॉप में ऐसे ऑर्गेनिज्म थे
जो दूसरों पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते थे। उसके बाद हमने हेटरोट्रॉफ में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स देखे। ओके, फिर हमने ओमनीवोर्स देखे। देन आफ्टर वी हैव सीन द डिकम्पोजर्स। ओके, नाउ हियर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो एयर, वाटर, लाइट, सोयल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर चेंज, ह्यूमिडिटी, sunlight and wind from the abiotic component of an ecosystem on which living being depend directly or indirectly. Yes, air, water, light, soil and climatic factor. Air, water, light, soil जो हमारे factors हैं, ये चीज़ें जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, इन पे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट होते हैं। ओके, द क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर चेंज, ह्यूमिडिटी, सनलाइट एंड विंड, ऑल दीज आर द क्लाइमेटिक फैक्टर जिन पे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे सनलाइट है, सनलाइट हम गर्मी में भागते रहते हैं, भागते ना उनसे, लेकिन वहीं पे प्लांट क्या कर रहा है, उसी सनलाइट को यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है, उससे फूड का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको हम फीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम सनलाइट पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। सो वी आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स। विदाउट एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर विल नॉट बी मैटर। नाउ एयर, air is a natural resource that is present everywhere. We need air to breathe and survive. Air is a natural resource. It is a natural resource, you know. It is present everywhere and we need the air for the breathe and survival. Air is composed of different components such as oxygen, carbon dioxide, argon, dust particle and water vapor. बेसिकली जो एयर होता है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स, ऑल दीज थिंग्स कंप्राइजेस द एयर। एयर फॉर्म्स एन एनवेलप सराउंडिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर क्या है, एयर एक एनवेलप की तरह अर्थ को सराउंड की हुई है और एक ऐसा सरफेस को कवर करके, एक एनवलप के जैसे एयर का सराउंडिंग में प्रेजेंस है जो एटमॉस्फेयर कहलाता है। मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर एक एनवलप की तरह घेरा है जो कि एयर का है और उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन। दिस एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स बेसिकली ऑन द प्रेजेंस ऑफ एयर, on the presence of other components of air. It is divided into zones, that is troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Now the atmosphere acts as a blanket or protective layer that absorbs the harmful. Yes, the atmosphere, there we have different types of gases present. In this atmosphere, the ozone is also present. That is also the air, dense, compact, dense structure of that gas is present in the atmosphere, which acts as a protective layer and absorbs harmful ultraviolet radiations from the sun. Okay? It is because of the atmosphere that we receive adequate, yes, because of this atmosphere we receive adequate amount of, sufficient amount of sunlight which is basically needed for our existence. Otherwise we usually get burned because sun is too hot. So sufficient amount of sunlight is entering into the atmosphere, so it is also a protective layer. Oxygen present in the air is utilized by human to breathe and survive. Yes, we use oxygen for our survival. Plant uses carbon dioxide, whereas plant use carbon dioxide for their production of food during photosynthesis.
Now water, soil, then after we have sunlight, all these things we will discuss in the next lecture. Okay, so your assignment work is write the biotic and abiotic components, and with the example write the primary, tertiary and primary, secondary and tertiary consumers. Okay, write note on biosphere. This is your assignment work. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you, class. One more thing, basically, okay, we have completed up to air, so there will be assignment for you also. I will give you tomorrow on Sunday. Okay, thank you, students.